बात मैं नहीं आपकी कर रहा। पूरी रेस्पेक्ट करता हूं, पर तभी तक जब आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं मोदी मैं उसके बाद पलट कर रहूंगा, आप ले नहीं पाएंगे। कुछ उम्र और अनुभव का लिहाज करिए। अरे भाई, आप भी अपनी उम्र और अनुभव का ध्यान रखते हुए बात कीजिए। पाएंगे, मैं लिख के देता हूं, अतुल अंजान चाइना इस्लामोफोबिक है, नहीं बोल पाएंगे। आप चैलेंज छोटा सा क्लिप दिखाएंगे, आप पूरा वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में बात हो रही है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में, और अजीत, आप देख सकते हैं अजीत अंजुम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सीपीआई के नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी चीन से भी काफ़ी इंस्पायर हैं ये, और ऑब्वियसली कम्युनिज्म चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो वो एक सा ही रहता है। तो भारत का कम्युनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है। भारत का कम्युनिज्म का आप मतलब समझेंगे तो रिलीजन कम्युनिज्म में आते ही नहीं है, वो हर रिलीजन के मतलब अगेंस्ट ही रहते हैं। बट भारत का कम्युनिज्म ऐसा है कि यहाँ पे कम्युनिस्ट मुस्लिम लीडर मिल जाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर इस्लामिक रहेंगे और कम्युनिस्ट रहेंगे। तो आप समझ जाओ भारत का कम्युनिज्म कैसा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं सुशांत सिन्हा का जबरदस्त अंदाज, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता है आलोचना में वन मैन सेंट्रिक आलोचना होती है, जब कुछ तारीफ होती है तो वो देश की होती है। क्या ये विपक्ष का तरीका ठीक है? तो आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी कर सकते हैं मेरे लिए जिंदाबाद करने, आप जिंदाबाद नहीं, आप क्यों आप क्यों कह रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी? मैं सारे देश को 70 साल तो हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? आप हम प्रेजेंट में चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ना कहूं तो क्या कहूं? हम चर्चा नहीं, आपका तो ये पेशा है, हमारा पेशा ये नहीं। हमारा पेशा है सारी चीजों को समग्रता में देखना। हमारा पेशा सवाल पूछना, आपको आलोचना के वक्त समग्रता नहीं दिखी, इसके वजह सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं सुशांत सरीन से पहले एक रिएक्शन ले लूं, फिर इस पे फिर मेरी आपकी बहस हो जाएगी। सर हमने कहा फायदा नहीं, हम भारत की आलोचना कर दे तो आपकी आलोचना हो गई। नहीं नहीं, भारत की आलोचना नहीं भाई, हमको ये जब कहा गया कि नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के पैसे गिनो तो ये भारत की आलोचना थोड़ी थी, ये तो भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना। पादुका लेकर के घूमे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सर देखिए एक मिनट, प्रधानमंत्री भारत आ गए, ये अतुल अंजान जी एक बात सुनो, नहीं अतुल अंजान जी मेरी एक बात सुन लीजिए, देखो मैं बहुत सर दो साल अतुल सर भारत के प्रधानमंत्री अतुल सर मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं बहुत बहुत क्लियरली आपको एक बात अभी 5:11 हुए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर। ये जो आप बार बार भक्ति चरण पादुका फलाना ढिमकाना बोल रहे हैं सर, मैं उन एंकर्स में से नहीं हूं जो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मैं आपकी पूरी रेस्पेक्ट करता हूं, पर तभी तक जब आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं उसके बाद पलट के रहूंगा, आप ले नहीं पाएंगे। अतुल अंजान जी इसलिए फैक्ट पर बात कीजिए, और पलट के आप क्या है आप जो पलट नहीं पाएंगे? आप क्या पलट पाएंगे मुझे आप बताइए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आलोचना कर रहे थे तब आप वन सेंट्री फैमिली में पड़े हो, चरण पादुका गलत फहमी में, आप गलत फहमी में, मत रहिए गलत फहमी में पड़े हो, मैं आप गलत फहमी में, आपकी पार्टी खत्म है, आपका लेफ्ट खत्म है, आपकी गलत फहमियों की वजह से आप सही नहीं है, आपके आपके प्रत्याशियों के जमानत जब्त होती है इसी गलत फहमी की वजह से। नेशन सेंट्रिक बात कर रहा हूँ मैं, सुशांत सरीन हो गया सर, मैंने सुन लिया, मैं दूसरा फहमी है, आप अपनी पार्टियों की गलत फहमियां दूर कीजिए पहले। भाई वो कह रहे हैं, देखिए सारे दर्शक भी तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं, स्वयं सेवक संघ के दफ्तर की बात, अरे चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं, मैं ये नहीं जानता, ये पूछे भागवत जी से। अरे भागवत जी से, आपको भागवत जी के बारे में पूछने के लिए थोड़ी बुलाया, आप लेफ्ट का बताइए ना, चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं है, कि नहीं है आप बताइए ना, एनबीटी की क्या राय है, टीओआई की क्या राय है, अरे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया की क्या राय है? अब सुशांत जी दूसरे बताइए, बातें सही निकली, रुकिए, चाइना को इस्लामोफोबिक बोलने में आपकी जबान ऐसे लड़खड़ा रही है, 6 महीने पहले साइंड एडिटोरियल है। अच्छा सुनिए एक बात, नहीं नहीं एक बात सुन भाई, मुझे ये नहीं पता भाई, एक बात, ऐसा कितना बड़े भारी तोपची हो गए भाई, नहीं नहीं मुझे कितने बड़े तोपची हो गए, मुझे एक बात बताइए ना अतुल भाई, किसी जगह कभी किसी जगह, अतुल भाई इसका राजा, अतुल भाई मुझे एक बात बताइए, अभी आप कह रहे हैं एक समझ में बिल्कुल, चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं, इसके लिए कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े कोई, सुशांत आप जरा आप कुछ उम्र और अनुभव का लिहाज करिए। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल बार बार, समझे, अब आप उमर पे आ गए, पहले आप आरएसएस के दफ्तर पर आ गए, उसके बाद आप चरण पादुका पर आ गए, आप भी अपनी उम्र और अनुभव का ध्यान रखते हुए बात कीजिए, मैं आपसे फैक्ट पर पूछ रहा हूँ, आप कह रहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, अब जितने लोग ये डिबेट देख रहे हैं वो कल टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदे और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े पिछला सारा खरीद के, आप बताइए ना चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं है, आप क्या करेंगे आप,
नहीं करेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए। अरे पढ़िए, मेरा तो चैनल है, मेरा तो अखबार है, मैं तो कहूंगा खरीद खरीद के पढ़िए। आप बोलिए ना, चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं है? आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं है, बोल दीजिए नहीं है। हो ना हो, वहां क्या बात है वो हम नहीं, क्यों बात कर रहे हैं आप? वहां पर जिस प्रकार का भेदभाव किसी जात के साथ हो, किसी धर्म के साथ हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ नहीं है। और क्या चाहते हैं आप? सुशांत सरीन जी, क्या आप बोलिए भारत 5 सेकंड दे दीजिए। अरे रुकिए जी, आ जाए सुशांत जी, देखिए 5 सेकंड बोलिए। भारत में अखलाक की जो हत्या की गई थी उसके आप समर्थक हैं? उस पे देखा आगे भाई, एक मिनट रुकिए। अच्छा अतुल भाई, आप मुझे अतुल भाई एक मुझे पत्रकार दिखा दीजिए, मैं तो छोड़ कह रहा हूँ, ओनली वन पत्रकार मुझे दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि अखलाक को बड़ा अच्छा मार दिया। एक पत्रकार दिखा दीजिए। क्यों? अरे मैं बता रहा हूँ ना, नाम बताइए किसी का, नाम बताइए किसी पत्रकार का। आप लोग पत्रकारों को सीधा कटघरे में खड़ा करते हैं, किसी पत्रकार का नाम बताइए जिसने कहा हो। अभी मेरे विचार, आप चीन के बारे में मेरे विचार पूछ रहे थे ना, मैं आपसे पूछता हूँ आपके विचार क्या है। हाँ, अब मैं एक मिनट रुके, अब मैं आपको सुनाता हूँ। आपके मुंह से नहीं निकला ना चीन इस्लामोफोबिक है, मेरे मुंह से सुनिए। चीन इस्लामोफोबिक है जो वो शिनजियांग में कर रहा है, मेरे मुंह से सुनिए। जिन लोगों ने अखलाक को मारा वो दो कौड़ी के लोग थे, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग थे। मेरे मुंह से सुनिए, जिस सरकार ने गुजरात के अंदर उन लोगों को छोड़ा बिल्किस बानो कांड में, वो सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या उसने मानवता को शर्मसार किया या नहीं किया। मैं खुल के बोल रहा हूं, अब आप बोल के दिखाइए चाइना इस्लामोफोबिक है, बोलिए। नहीं बोल पाएंगे आप। मैं तो इसी की तलाश में था, इसी पिछले कई महीनों से आपके जो प्रोग्राम है जिस तरीके से सुस्तुति वंदना के, मैं यहीं पर आपको लाना चाहता था। मुझे कहीं नहीं लाना चाहते थे आपका। सुनिए बॉस, हेलो बॉस, हेलो अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई, ना ना अतुल भाई सुनिए, ना ना इसमें अपना क्रेडिट ना लीजिए। सुनिए, आपका वो जो अखबार है, जो भी माउथ पीस है, वो पढ़ते होंगे 10-50 लोग। ये शो लाखों लोग देखते हैं, और जो लोग देखते हैं उनको सबको पता है बिल्किस बानो पे मेरा क्या स्टैंड है, उनको पता है मेरा अखलाक पे क्या स्टैंड है। लेकिन उन लोगों को यह भी पता है कि चाइना पर आपका स्टैंड यही है। आप चाइना को इस्लामोफोबिक नहीं बोल पाएंगे। आप मेरे मुंह से जो सुनना चाहते थे मैं 10,000 बार बोल चुका, लेकिन आप चाइना को इस्लामोफोबिक आज भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। मैं लिख के देता हूं अतुल अंजान, चाइना इस्लामोफोबिक है, नहीं बोल पाएंगे। चैलेंज दे रहा हूँ, नहीं निकलेगा आपके मुंह से। बड़े ना बनो, बहुत मत बनो। अरे बड़े ना बनो, आप ना समझाइए, आप ना समझाइए। देश बड़ा होता है, आप चाइना को इस्लामोफोबिक बोल के दिखाइए, चाइना को इस्लामोफोबिक बोल के दिखाइए, नहीं निकला ना मुंह से। क्या बात सरीन जी, चाइना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी प्रकार के लिंग जाति धर्म के आधार पर। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। मैंने बताया आपको भारत का कम्युनिज्म टोटल डिफरेंट लेवल का है। भारत के कम्युनिस्ट कैसे होते हैं, वो मुस्लिम रहेंगे लेकिन वो इस्लाम फॉलो करेंगे और दूसरे धर्मों को ऐसी तैसी करेंगे और फिर बोलेंगे हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। इस तरीके का कम्युनिज्म है भारत का। भारत का कोई हिंदू कम्युनिज्म रहे, कम्युनिस्ट लीडर रहेगा, वो हिंदू धर्म और दूसरे धर्मों के बारे में बहुत बोलेगा, बट इस्लाम की बारी आएगी तो उसके मुंह में घी जम जाएगा। इस तरीके का कम्युनिज्म है भारत का। आपको क्या कह रहा है इस टॉपिक के बारे में कमेंट में अपनी राय दे। चैनल को सब्सक्राइब करें लगातार इसी तरीके के वीडियो में।